गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपा गर्ग, योर एसएसटी सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी अबाउट चैप्टर 9, द अर्लियस्ट सोसाइटीज। द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज हैंड्स हैज पुट मैन ऑन द पाथ ऑफ सिविलाइजेशन इन द एंशिएंट टाइम। ही हैड टू लिव इन ग्रुप आउट ऑफ नेसेसिटी बिकॉज he was physically weaker than most of the wild animals and living in group gave him securities at that time he was a hunter gatherer so he had to move from one place to another in search of food in his endeavor to hunt animals clean hides and pluck fruits early man found stones quite handy he could strike animals and plucked fruits with them students aaj aapka chapter 9 start hota hai sst mein jiska naam hai hamara the earliest societies yani ki prachintam samaj to aaj ke chapter 9 mein hum prachintam samaj ke bare mein study karenge seekhne ki yogyata एबिलिटी होती है हमारी योग्यता तो सीखने की योग्यता और हाथों के प्रयोग में सक्षम होने से मानव ने को सभ्यता के पथ पर अग्रसर किया गया। प्राचीन समय में समूह में रहना उसकी मजबूरी थी क्योंकि वह अधिकांश जंगली जंतुओं से शारीरिक रूप से दुर्बल होता था और समूह में रहना उसे सुरक्षा प्रदान करता था। उस समय वह एक शिकारी और संग्राहक था, अतः भोजन की तलाश में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहना पड़ता था। इसके बाद जंतुओं के शिकार उनके खालों को साफ करने तथा फलों को तोड़ने के लिए आदि मानव पत्थरों का काफी प्रयोग करता था। इसी के साथ वह पत्थरों को अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में तोड़ भी लेता था, औजार की तरह भी यूज कर लेता था। पत्थरों के प्रयोग की सीमा लगभग 5 लाख वर्ष लंबी थी। पत्थरों के औजारों के मुख्य रूप से प्रयोग के कारण यह काल पाषाण काल कहलाता था। So thus the total period of history is divided into 4 ages, which are the Stone Age, Paleolithic Age, and number 3 Bronze Age, and number 4 Iron Age. तो हम इस तरह से इतिहास के कालों को 4 भागों में बांट सकते हैं। number 1 होता है हमारा पाषाण, number 2 ताम्रपाषाण जिसमें कॉपर का यूज हुआ है, कॉपर का खोज की गई है, number 3 कांस्य युग और number 3 लोह युग जिसमें विभिन्न मशीनों के निर्माण में मुख्य रूप से लोहे का प्रयोग हुआ है। number 1 पे आता है हमारा स्टोन एज। व्हाट इज स्टोन एज? स्टोन एज कहते हैं पाषाण काल। तो वी शैल फर्स्ट स्टडी द स्टोन एज। दिस पीरियड हैज बीन द लॉन्गेस्ट, सो वी शैल डिवाइड इट इंटू 3 डिविजन्स फॉर द वेंस ऑफ स्टडी। दीज 3 डिविजन्स आर पैलोलिथिक एज, स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंड मेसोलिथिक एज एंड न्योलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और number 3 नव पाषाण काल में विभक्त किया गया है। ये तीनों वर्गीकरण इस संपूर्ण काल में प्राप्त की गई प्रगति पर ही आधारित है। number 1 आता है हमारा पूरा पाषाण काल। स्टूडेंट आपके सामने ये हमारा इंडिया का मैप शो हो रहा है। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत क्या आया है इसके बारे में स्टडी हम आज चैप्टर में करेंगे। तो पूरा पाषाण काल में हमारे जो अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान आपको यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक इंडिया का मैप लेना है और उसको ये सब नाम उस मैप के अंदर आपको फिल करने हैं। तो number 1 हमारा होता है जब पैलोलिथिक एज, इसके बारे में स्टडी करें। ड्यूरिंग द पैलोलिथिक एज ऑफ अर्ली स्टोन एज, अर्ली मैन लीड अ लाइफ सिमिलर टू एनिमल्स विद द ओनली डिफरेंट दैट ही वॉक्ड ऑन टू लेग्स and could no
कुड यूज हिज टू हैंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज. जब ये देखते थे पुरापाषाण काल में आदिमानव जंतुओं जैसा जीवन व्यतीत करता था. अंतर सिर्फ इतना था कि वे अपने दोनों पैरों पर चल सकता था और अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता था. हंटर गैदर अर्ली मैन मूव्ड इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. भोजन की तलाश में आदिमानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था. एनिमल एंड गैदर्स ही रिमूव्ड अलोंग ही मूव्ड अलोंग रिवर्स और वैलीज. ही लिव्ड द लाइफ of the wandered because it gave him security against wild animal. वह जंगली जंतुओं से सुरक्षित रहने हेतु एक घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करता था. आदिमानव के एक समूह में कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे भी होते थे. इसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा तो उसने फिर शिकारी और संग्राहक के बाद में औजार और हथियार बनाने शुरू किए. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है, फिर धीरे धीरे आदिमानव ने अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े का भी प्रयोग करना शुरू करा. तो कपड़े के प्रयोग में क्या करा, आदिमानव केवल आवश्यकते ही कपड़े पहनता था. तो उसने धीरे धीरे अर्ली मैन वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एज वी कैन सी फ्रॉम मैनी wall paintings that have been discovered. And when he was not busy gather or hunting. He carved and painted in the rocks showing his artist skills. तो वो सबसे क्या होता था, वो अपनी आर्ट को भी अपनी इम्प्रूव कर रहा था कपड़े बनाने के बाद में उसने. नेक्स्ट आता है हमारा रिलीजियस बिलीव्स. रिलीजियस बिलीफ में हम बताएंगे आपको कि आदिमानव किस तरह से अपनी धार्मिकता में विश्वास रखता था. We cannot say with certainty about religious and other beliefs of early men. At language had developed fully and expression was in its primitive form. तो देखिए आदिमानव ने धार्मिक और अन्य विश्वासों के बारे में निश्चितता से नहीं कहा सकता क्योंकि भाषा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था और अभिव्यक्ति अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी. तो यह संभव नहीं है कि आदिमानव ने कुछ विश्वासों का विकास किया हो. फिर भी क्योंकि वह प्रकृति में रहता था तो वह निश्चित ही बिजली, तूफान, वर्षा तथा आंधी से भयभीत रहता होगा. इससे बचने के लिए उसने क्या करा, फिर अपने पास क्या डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज की उसने. इट वॉज प्रॉबली एट द एंड ऑफ द पैलोलिथिक एज दैट फायर वॉज डिस्कवर्ड. इट माइट बी बाई चांस दैट ही डिस्कवर्ड इट. हिटिंग स्टोन्स माइट हैव कॉज्ड स्पार्क्स एंड इट कुड हैव रिजल्टेड इन द फायर. तो आदिमानव ने क्या शुरू करा, दो पत्थर लिए और उनको आपस में जब रगड़ा तो उनसे चिंगारी निकली, चिंगारी ने आग का रूप ले लिया. नंबर टू पर आता है हमारा मेसोलिथिक एज. द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज इज अ डेवलपमेंट ओवर द अर्ली स्टोन एज. थ्रू द रेट ऑफ डेवलपमेंट वॉज स्लो येट इट वॉज सिग्निफिकेंट. द स्टोन टूल्स used in this age become sharper, smaller and more. इस एज के अंतर्गत यानी कि मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल का विकसित रूप है. हालांकि विकास की दर कम किंतु महत्वपूर्ण थी. इस काल में प्रयुक्त किए जाने वाले औजार अपेक्षाकृत अधिक धारदार, छोटे और सुगढ़ थे. कुछ ऐसे औजार भी पाए गए जिन्हें सुविधा के लिए लकड़ी पर बांधा अथवा लकड़ी में दसाया गया था. आदिमानव ने यह समझना प्रारंभ कर दिया था कि बीजों को भूमि पर बोने से ये कुछ समय पश्चात अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं. वह भोजन और जल संग्रहण के लिए पत्थर और लकड़ी के बर्तनों का प्रयोग भी करता था. तो स्टूडेंट्स आज के इस
इस चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। आप सभी को चैप्टर को अच्छे से बुक को रीड करना है, वीडियो को लिसन करना है और इसके नेक्स्ट टर्न पर हम आपको चैप्टर 9 के नोट सेंड करेंगे। आप सभी को अच्छे से नोट से सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में वर्क करके स्कूल में कॉपी डिपॉजिट करनी है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे हेल्दी।